जा रहे हैं। इन बीजों को हमें ट्रीट करने के लिए जो फार्मूला चाहिए वो चाहिए 15 लीटर वाटर एंड 1 केजी लाइम, ठीक है। तो 1 केजी लाइम को 15 लीटर वाटर में पहले हम क्या करेंगे, लाइम को 1 किलो पानी में तो घोल लेंगे। घोलने के बाद फिर इन बीजों को उसमें डिप करेंगे और डिप करके फिर 10 मिनट रखेंगे उसको उसमें और निकाल के फिर 10 मिनट के बाद फिर लगा देंगे। तो वो प्रोटोकॉल भी सेम है, टाइमिंग के हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। ये देखिए 15 लीटर हमने इसमें वाटर डाल दिया। अभी 1 केजी हम इसमें लाइम स्टोन डालेंगे, ठीक है। लाइम स्टोन डालना है, पाउडर नहीं। अगर ठीक है स्टोन नहीं है तो ठीक है फिर पाउडर चला लेंगे, बट स्टोन नहीं होना। थोड़ा समझ लेते हैं, ये हमारी येलो हल्दी है जिसका हम लोग पाउडर बनाते हैं। ये देसी वैरायटीज़ है और ये जो बीज है इसमें क्या करना होता है, जैसे इसका क्या होता है, एक तो गट्टा होता है, जैसे ये वाला इसमें गट्टा है, ये गट्टा है, ये थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है सीड्स में, ठीक है। फिर ये गट्टे में ये फिंगर लगे होते हैं तो इसको फिंगर बोलते हैं। पर हल्दी के केस में ये भी बीज के रूप में लगता है और वो भी बीज के रूप में लगता है। वो लगाने से 15% ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, ये लगाने से 15% कम प्रोडक्शन आता है। क्योंकि वो गट्टे से फिर सीधे फिंगर बनते हैं और ये लगाने से पहले गट्टा बनेगा फिर फिंगर बनेंगे। तो गट्टा बनाने में जो एनर्जी प्लांट्स को लगेगी तो वो थोड़ा कम हो जाता है, ये है बात, ठीक है। तो बेटर होता है कि गट्टा मिले तो गट्टा लगाना चाहिए। इसको गट्टू बोलते हैं, गट्टा भी बोलते हैं, और इसको फिंगर बोलते हैं। तो फिंगर में कम से कम, अभी जैसे बहुत सारी फिंगर हैं, ये फिंगर अगर बहुत बड़ा होता तो हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते, पर ये बड़ा नहीं है और ये इसको भी हम बीच से काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो नोड हैं वो 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड, तो मिनिमम तो 3 नोड एक फिंगर में होना चाहिए। अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो 1 नोड ये था, एक आध इधर की दही पे आ जाता तो हम इसको ब्रेक कर देते, पर ये छोटा है तो तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इसमें ही लगा रहने दो तो प्लांट्स और मजबूत आएगा, ठीक है। तो मदर जितना अच्छा होगा, जैसे अब ये है तो इसको भी हम काट नहीं सकते, ये सिंगल ही लगेगा, ठीक है। और अगर ये है तो ये भी सिंगल लगेगा, पर इसमें क्या है ना, 1 नोड 2 नोड और ऑलरेडी 3 और 4 नोड हैं इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है ये सीड्स, तो मिनिमम 3 नोड तो होना चाहिए, और अगर 3 से ज़्यादा हुई और लंबी है तो काटना नहीं है, फिर उसको सेपरेट ही रखना है, क्लियर। तो ये 3 नोड होना चाहिए। ये येलो हल्दी है, ये टर्मरिक है, सॉरी वो है अपना जिंजर है। और जिंजर के केस में क्या होता है कि इसमें जैसे बहुत बड़ा बड़ा तो गठान होता है कई बार, ये तो हालांकि सीधा सीड्स बना हुआ है, अगर इसमें बड़ा गठान है तो इसमें भी नोड देखनी पड़ती है, 1 2 3 4, मिनिमम 3-4 नोड होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे अगर हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे 1 नोड 1 नोड 3 नोड 4 नोड और ये 5 नोड 5 है इसमें, और अगर ये 3 है और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये 2 अकेली रह जाएगी, तो 2 नोड तो नहीं चाहिए, कम से कम 3-4 होना चाहिए। तो इसलिए हम ये 6 रहने देंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट लगेंगे, इसका नर्सरी नहीं लगेगा, नर्सरी केवल क्रीपर्स का लगेगा इस मॉडल में, बाकी रूट क्रॉप को लीफी क्रॉप को डायरेक्ट कल्टिवेट होगी, ठीक है। तो ये जाके हमने जिंजर को ऐसे, ये तो खैर हालांकि ये पूरा बना ही हुआ है नोड, तो इनका बनाने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जिंजर में क्या होता, ये सब ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं, तो इनको देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा, ये 3 नोड आ गया इसमें 4, तो ये अलग ब्रेक कर दिया, इसमें 4 नोड आ गया ये ब्रेक कर दिया, अच्छा अभी इसको अलग नहीं कर सकते, अब तो इसमें 5 6 7 जो भी हैं वो रहने दीजिए, ऐसे करना है। तो ये जिंजर के केस में होता है, तो ये जिंजर है। फिर उसके बाद ये अभी हम बीजों को ट्रीट कर रहे हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर अभी 2 तरह के सीड्स लगा रहे हैं, पहला तो ये मेथी का सीड्स हम लोग डाल रहे हैं, और एक बार घोल दो, ये तो ऑलरेडी मिक्स करेंगे। तो अभी ये थोड़े सीड्स हैं, ये इसमें खोलेंगे इनको, और इन सीड्स को फोड़ना पड़ेगा। देखो ये डायरेक्ट नहीं लगेंगे, तो इनको पत्थर चाहिए होगा, एक पत्थर लेके आएंगे तो अच्छा होगा। बहुत हल्के हाथ से इनको 2 पीसेस करना है, ये ऐसे, एक मिनट ये ऐसे कर दिए, 2 पीस करना, 2 पीस करना, अगर बहुत जोर से आप चला देंगे तो ये बारीक हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए।